इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी भारतीय तटरक्षक यात्रिक नाविक भर्ती 2021 पोस्ट रिक्रूटमेंट निकल गई है। ज्वाइन इंडिया कोस्ट गार्ड यात्रिक नाविक की वैकेंसी है। टोटल पर 350 बात करते हैं, तो इसके सिलेबस के ऊपर मैं बात करूंगा, आपका क्वेश्चन मैं अटेंड करके आपका आंसर दूंगा और इंपॉर्टेंट लिंक के ऊपर बात करेंगे। ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है प्रयागराज.com वेबसाइट पर, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में किया हुआ है। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। ये देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने की इंपॉर्टेंट डेट, तो 2/7/2021 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट 16/7/2021 है। एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड अभी सून है, तो इसकी जानकारी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप फॉलो करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको नई नई जॉब से नोटिफिकेशन नौकरी की मिलती रहेगी, सरकारी और नॉन सरकारी। मैं बात करता हूँ एडमिट कार्ड और आपका जो नोटिफिकेशंस हैं, तो अगर आप, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप यहाँ पर फॉलो करके रखेंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, आपने यहाँ पर अगर मुझे फॉलो किया होगा ट्विटर के माध्यम से, आप ट्वीट करेंगे तो एडमिट कार्ड कब आना है, इससे जुड़ी हुई सिलेबस कब आना है, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर इंस्टाग्राम अकाउंट को आपने फॉलो कर रखा होगा तो अभी आपने देखा यहाँ पर जो भी वैकेंसीज हैं, कभी कभी वीडियो के माध्यम से, पेपर की कटिंग के माध्यम से और थंबनेल के माध्यम से मैं अपडेट करता रहता हूँ, जैसे सिलेबस वगैरह डाल रखा है, तो आप कहीं से भी कुछ भी आप ले सकते हैं। बाकी अभी नया नया आपका कू ऐप बहुत ग्रो कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, IRCTC, मोदी जी, योगी जी, सभी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर आके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर भी मैं सारे अपडेट वन बाई वन देने वाला हूँ। अब आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए इसका फीस कितनी होगी। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 250 रुपए, SC ST को 0, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे जमा कर सकते हैं। एज की बात करूं तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 22 साल होगी। नाविक GD एंड यात्रिक बोथ जो जन्म है वो 1 फरवरी 2000 से लेके 31 जनवरी 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए। दूसरा, अगर नाविक DB की बात करते हैं, बिटवीन 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2004 के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर वैकेंसी डिटेल की, तो टोटल पद आप देख सकते हैं यहाँ पर 350 है। नाविक GD जनरल ड्यूटी 260 पोस्ट है और इसकी योग्यता 10+2 इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान और गणित गणित के साथ आपका विषय होना अनिवार्य है। देन आप दूसरी पोस्ट की मैं बात करता हूं, तो नाविक DB डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जाएंगे तो 50 पोस्ट है। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल आप पास आउट होना चाहिए। तीसरी पोस्ट की मैं बात करता हूं तो नाविक की है, जहां पर 40 पद है, कक्षा 10, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूर संचार में इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर वैकेंसी डिटेल, वो भी कैटेगरी वाइज। तो देखिए यहां पर नाविक GD, नाविक MD, यात्रिक मैकेनिकल, यात्रिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर ये आपका जो पोस्ट का नाम है देख सकते हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST, ये इस पोस्ट के लिए अगर आप जाएंगे तो आप अपनी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज है वो आप रीड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लिंक के फॉर्म को कैसे भरना है, नोटिफिकेशन सिलेबस वगैरह कहाँ से मिलेगा, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे, देखिए लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, सिलेबस के और मॉडल क्वेश्चंस पेपर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देन आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट इंग्लिश हिंदी में पढ़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले, सबसे लास्ट में वेबसाइट दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आप क्लिक कर दें, हिंदी में है तो हिंदी में क्लिक कर देंगे, वन बाय वन मैं दोनों में दिखा दूंगा। तो देखिए ये आपका इंग्लिश का नोटिफिकेशन हो गया, जो कि आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। दूसरा ये इंग्लिश वाला हो जाए, हिंदी वाला हो जाएगा, जो कि आपको पढ़ना है आप हिंदी में, जिसमें भी आपको सहूलियत हो आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा मोड़ा आपको बता देता हूँ कि देखिए, जैसे यहाँ पर 2 जनवरी 2021, तो ये आप इसका आज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नाविक ड्यूटी 10+2, वही सारी चीजें हैं, मैंने बार बार रिपीट है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये PDF थोड़ी हैवी है, इसलिए चलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ देखिए एज आपका क्या दिया हुआ है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 22, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। DB के लिए, GD के लिए, बिटवीन आपकी एज, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन में कुछ अलग से भी दिया होता है, उसको आप अलग से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने आपको मेरा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और कुएट और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बहुत ही जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ मेरे इंस्टाग्राम पर
रोज नाइट में या सुबह या दोपहर में किसी भी टाइम में 10-5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मैं लाइव आया करूंगा। उसमें आप अपने सारे जुड़े हुए जॉब से क्वेश्चन मुझे करेंगे तो मैं आपका उसको आंसर अटेंड करने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, तो चेस्ट कितना हो, हाइट क्या हो, रनिंग क्या, ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपकी जो फिजिकल जो आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो इससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है, आप इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। बाकी ये हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में आप पढ़ ले, अगर इंग्लिश में कोई आपको दिक्कत होती है तो वही सारी चीजें हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि सिलेबस एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो आपको क्या करना है, केवल और केवल यहाँ पर आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए नाविक, नाविक के ऊपर आप जाएंगे तो जीडी सिलेबस दिया हुआ है सिलेक्शन 1। तो यहाँ पर देखिए साइंस में क्या है, मैथमेटिक्स में क्या आने वाला है, इंग्लिश में क्या आने वाला है, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, ये आपके क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आने वाला है इसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरा या सिलेक्शन 2 में भी आप रीड कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में क्या क्या होने वाला है और मैथमेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं इसको आप, तो ये कुल मिला के ये सिलेबस है। अब नाविक डीबी में सिलेबस आप पढ़ सकते हैं, फिर यात्रिक सिलेबस भी आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद सिलेक्शन 3 ये भी आप पढ़ें, बेसिक कंप्यूटर वगैरह भी आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या आना चाहिए, फंडामेंटल वगैरह, तो वो सब कुछ देखिए, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग वगैरह, डाटा नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब मैं बात करता हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा होगा, नाविक जीडी, नाविक डीबी, यात्रिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल, ये तीनों चीजों के लिए, चारों पांचों चीजों के लिए आपको राइट हैंड साइड पर टिक हियर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि नाविक, नाविक डीबी के लिए सामने जाएंगे तो क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे तो आपको इसका क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। हालांकि मैंने इसे चेक नहीं किया था, आप लोग स्वयं चेक करें अगर आपको क्वेश्चन पेपर की जरूरत है तो। इस तरह कोई नहीं बताता है, वो आप अपना ये जैसे ये कॉपी है तो इसी को सभी लोग डाउनलोड करके सैंपल पेपर करके अपना नाम चिपका के प्रमोशन करते हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं करता। इसीलिए कि आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन पेपर को आप ले लें और पढ़ाई करें, पढ़ाई कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर है, कॉपी है। अब आइए देख लेते हैं अगला। तो मैंने यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर बता दिया और नोटिफिकेशन बता दिया कैसे डाउनलोड करना है। अब फॉर्म को कैसे भरना है, तो यहाँ से अप्लाई करना है और यहाँ से लॉग इन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पर पहुंच जाएंगे, कुछ इस तरीके से साइन अप का ऑप्शन आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपना नाम डालिए जो हाई स्कूल इंटर में है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इंडियन हो, अदर हो, क्या हो, जेंडर में मेल फीमेल, कैंडिडेट क्या हो, ईमेल आईडी, ये बहुत महत्वपूर्ण है यार, ईमेल आईडी आप लोग बहुत गलत करते हो तो प्लीज ईमेल आईडी को गलत मत करना। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, जनरेट ओटीपी, जैसे ही मोबाइल नंबर डालकर जनरेट ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर जाएगा और उसका जो है एसएमएस आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद ओटीपी ईमेल आईडी का भी डाल देना है, यहाँ पर सबमिट हो जाएगा मैसेज, ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही क्रिएट होगा आपको लॉगिन के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है, लॉगिन के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे देन आपका अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको इस कैप्चर कोड को, ये वाला कैप्चर कोड आपको इधर डालना है और लॉगिन को कर देना है। उसके बाद सारे फॉर्म को भर देना है, पैसे जमा कर देना है। आपको समस्या होती है तो मेरे ट्विटर पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, कू ऐप पर, कहीं पर भी मुझे अपडेट कर देना, इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना है और जो भी स्टूडेंट मुझे कांटेक्ट करेगा उसका एक इंटरव्यू लिया जाएगा और उसका फॉर्म भरा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपसे कोई पैसा लिया नहीं जाएगा। अब आइए मैं बात कर लेता हूँ, हमारे चैनल पे ही ये सब कुछ होगा। अब मैं बात ये देखिए, यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन में इसमें रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, एडवर्टीजमेंट हिंदी इंग्लिश और मॉडल पेपर। अब यही सारी चीजें वेबसाइट के माध्यम से जानना है तो वेबसाइट पर, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये एकदम ओरिजिनल वेबसाइट है कोस्ट गार्ड की, इंडियन कोस्ट गार्ड की। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, कैंडिडेट्स दिया हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा सारा सब कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, आप क्लिक कर दीजिए, देखिए अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज, जैसे ही आप करेंगे आपका, बहुत सरल वेबसाइट है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आप ही सर्च करेंगे मोबाइल पर लैपटॉप पर आपको मिल जाएगा। अपकमिंग के ऊपर आपने क्लिक किया तो दो ऑप्शन ब्लिंक कर रहे हैं न्यू, इसका मतलब है यही दोनों ऑप्शन है।
तो आप देखिए 1 जुलाई से लेके 16 जुलाई के बीच में आपको फॉर्म भरना है। ये यहाँ पर इंग्लिश एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पर हिंदी एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे हिंदी में, और यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया है अप्लाई करने का। तो आइए इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूं मैं, अप्लाई यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ, तो अप्लाई का ऑप्शन आपको ये मिल गया, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन है, क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म को भी भर सकते हैं कुछ इस तरीके, हालांकि मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब यहीं पर आप देखिए एडवर्टीजमेंट के ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो वही एडवर्टीजमेंट जो मैंने पहले बताया था इंग्लिश में हिंदी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुल मिला के वेबसाइट से जाने की जरूरत नहीं, आप प्रयागराज का जो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप क्लिक करेंगे तो यहीं पर आके डायरेक्ट आप लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, नोटिफिकेशन, सिलेबस सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी आप वेबसाइट से ढूंढोगे मिल जाएगा, बट थोड़ा सा टफ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यार यही तो आप लोग नहीं करते हो, वीडियो जरूर आप देखते हो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।